जी हाँ दोस्तों, शान सिंह राजपूत जी के जो सबसे ज़्यादा कुछ करीब खास लोग थे उनमें से एक थी अंकिता लोखंडे। अपने परिवार वालों के बाद शान सिंह राजपूत जी अंकिता लोखंडे को काफ़ी अहमियत देते थे। ये इस बात की गवाह बनती है क्योंकि 6 साल तक इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें सुनने को मिली थी और कई सालों तक एक दूसरे के साथ भी रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, फैंस के चेहरे पर निराशा जब आई जब उन्होंने इनकी ब्रेकअप की खबरें साल 2016 में सुनी थी, क्योंकि उसके बाद सभी का दिल टूट गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अंकिता लोखंडे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और कुछ इशारों में ऐसी बात सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए कहती थी जो शायद सुशांत सिंह राजपूत जी कभी समझ ही नहीं पाए। आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए अंकिता लोखंडे काफ़ी प्रोटेक्टिव हुआ करती थी। उनको लेकर कुछ मैसेजेस, कुछ फोटोज ऐसी डालती जिसके चलते वे कहीं ना कहीं इशारों में सुशांत सिंह राजपूत जी तक अपनी दिल की बात कह सके। अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत जी से इशारों में एक बात ये कही थी कि ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद भी अंकिता लोखंडे बार बार सुशांत को किसी बात को लेकर आगाह कर रही हैं, इस बात को लेकर चेता रही कि आने वाले समय में उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। अंकिता लोखंडे द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है कि अगर तुम भीड़ को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि तुम उसमें ही खो जाओ। इसके बाद हमें देखने को मिला कि अपने पोस्ट के जरिए अंकिता हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से सीखने की और समझने की कोशिश करती थी। आखिर क्या बताना चाह रही थी अंकिता लोखंडे? अंकिता लोखंडे ने अपने पोस्ट को ब्रेकअप के बाद ही शेयर किया था। इसमें लिखा है कि जो दुश्मन पर अटैक करता है उससे मत डरो, जो फेक दोस्त तुम्हें गले लगाता है उससे डरो। यानी सुशांत सिंह राजपूत जी के इर्द गिर्द जो आसपास फेक लोग थे उनसे डरने को कहा था। और इस बात को लेकर ये बात सच हो गई कि रिया चक्रवर्ती जी सचमुच फेक निकली कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अंतिम दिनों में सुशांत सिंह राजपूत जी का साथ छोड़ दिया था। तो फेक लोगों को चेताना चाह रही थी, यानी आगाह करना चाह रही थी सुशांत सिंह राजपूत जी को। अंकिता लोखंडे की बात नहीं समझ पाई थी सुशांत सिंह राजपूत जी, लेकिन अंकिता लोखंडे ने भी बताए थे जिंदगी के साथ ऐसे रूल्स जिनको वो फॉलो करना चाहती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए काफी खास मैसेजेस था। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अंकिता लोखंडे ने जिंदगी के उन 7 रूल्स को बताने की कोशिश की थी। इसे फॉलो करके भी कोई इंसान जिंदगी से निराश नहीं होगा। सबसे बड़ी खास बात थी उसमें ये लिखा था कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, हमेशा मैच्योर रखो, अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखो कि वो आपका कैसा फायदा उठा रहे हैं। सुशांत से ब्रेकअप के बाद अंकिता लोखंडे डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समझाया था। अंकिता लोखंडे ने समझाया था कि किस प्रकार से असली मायने प्यार वे होता है कि जो सच्चा प्यार करता है, सामने वाला हमेशा उस व्यक्ति को खुश देखना चाहता है, उस चेहरे के व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहता है, वे चाहे उससे कितना भी दूर है या फिर किसी और व्यक्ति के पास ही क्यों न चला जाए। यही एक प्यार की निशानी होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहे, उसी में दूसरे की खुशी होती है। अंकिता लोखंडे जी भी उनमें से एक थी, क्योंकि वह हमेशा सुशांत सिंह राजपूत जी को खुश देखना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद भी कभी अपने चेहरे पर निराशा के भाव नहीं देखने को मिले, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी उनके चेहरे पर वही निराशा के भाव देखें और ये सोचे कि उन्होंने अंकिता से दूरी बनाने के बाद, अंकिता का साथ छोड़ने के बाद उनको निराश कर दिया है। अंकिता ये चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी जहाँ भी रहें वह खुश रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वह जानती थी कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ कुछ फेक लोग हैं जो उनका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह ये बात समझ नहीं पाए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।